दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के सप्त दिवसीय शिविर के पांचवें दिन रविवार को स्वयं सेवक और स्वयं सेविकाओं द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई। इस दौरान महाविद्यालय से निकाली गई मतदाता जागरूकता अभियान रैली कचहरी चौराहा बेतिहाता होते हुए हनुमान मंदिर पहुंची। वापस उसी रास्ते मतदाता जागरूकता अभियान के तहत गगनभेदी नारे लगाते हुए और लोगों को जागरूक करते हुए वापस विद्यालय परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, प्राचार्य दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर। ये राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से सप्त दिवसीय शिविर आयोजित किया गया है और इसमें मुख्य विषय जो लिया गया है वो मतदाता जागरूकता का है। ये इधर हम लोगों ने देखा होगा कि जागरूकता अभियान चलाने के कारण शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर और स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा किए जाने से ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। और जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो निश्चित रूप से यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक मजबूत कार्रवाई मानी जाती है। और इस प्रकार से आम जनमानस जो घरों में यह मान करके बैठ जाता है कि हमारे मत का क्या मतलब है, हम क्यों निकल करके जाएं, उन्हें भी हम प्रोत्साहित करते हैं कि आपके एक एक मत की कीमत है और आपके मत पर जब चुनाव होगा, चाहे वो ग्राम प्रधान का हो या लोकसभा का हो, सांसद का हो, किसी भी स्तर के चुनाव में जन सहभागिता, जन भागीदारी और प्रत्येक मतदाता का मत बहुत ही मूल्यवान होता है। इसीलिए इसमें तरह तरह के ऐसे नारे लगाए जाते हैं कि पहले मतदान तब जलपान, और इस पे विद्यार्थी जो हमारा निश्चित रूप से इसमें बॉयज़ गर्ल्स सभी हैं, जब ये अवेयर होते हैं, एक तरफ जब ये नारे लगाते हैं तो ये जन संदेश होता है, लेकिन जब ये बोल रहे होते हैं तो वो संदेश इनको भी पहले प्राप्त होता है। तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये, और इस कार्यक्रम को हमारा NSS बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। यद्यपि इस 7 दिन में अलग अलग दिन पे अलग अलग तरह की गतिविधियां शामिल की गई हैं, लेकिन मूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम ही है।